फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल और नालको के शेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो शेयर्स के ऊपर बात करेंगे, पहला सेल एंड दूसरा नालको, कि यहाँ पे क्या दोनों स्टॉक्स के अंदर अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट का मौका है कि नहीं, क्या यहाँ पे आपको अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि इन लेवल्स पे अब आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और दोनों शेयर्स के अंदर यहाँ पे गिरावट बन सकती है। तो सारे दोस्तों आपके क्वेश्चंस का इस वीडियो में मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी देखिए डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सेल की बात करें तो देखिए, जो धमाका कर रहा है, जो तेज़ी दिखा रहा है सेल लगातार, आप देखिए ये स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर अपने निवेशकों को करीबन 94% का रिटर्न, और पिछले छः महीने में ये स्टॉक दोस्तों जिस तेज़ी से भागा है करीबन यहाँ पे 230% का आपको इंक्रीज़ देखने को मिल चुका है, 230% का जंप देखने को मिल चुका है। और आज इसने अपना दोस्तों नया 52 वीक हाई बना लिया है, 100 के पार तो गया ही है, और अभी भी देखिए कोई संकेत नहीं है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आपने मेरा सेल पहले वीडियो देखा तो मैंने 120 रुपये के लक्ष्य आपको सजेस्ट किए थे, होल्ड करना है बस ये आपको कहा था। और देखिए मेटल पैक में पूरा अभी भी आप मान लीजिए कि अभी भी एक्शन रहने वाला है, और यहाँ पे मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स के अंदर जो अट्रैक्शन अभी बन रहा है वो डेफिनेटली आगे भी कंटिन्यू होगा। क्यों कंटिन्यू होगा, देखिए जिस प्रकार से चाइना लगातार मेटल के ऊपर जो भी देखिए अपडेट्स निकालता है, जो भी देखिए कुछ करता है, उसके कारण देखिए डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है, और वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट ही आपको देखने को मिलता है। और यही अभी आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर अभी भी काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ रहा है और लगातार मेटल इंडेक्स पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब सेल की बात करूँ तो देखिए स्टॉक ने सबसे बड़ा हर्डल 100 रुपये निकाला, और उसके बाद देखिए लगातार बढ़ रहा है, कोई भी देखिए यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को नहीं मिला, कंसोलिडेशन डेफिनेटली देखने को मिला 100 के आसपास, लेकिन जिस देखिए तेज़ी से उसने उस लेवल को निकाला, उसके बाद आप देखिए जिस प्रकार की तेज़ी इसमें लगातार बनी हुई है, स्टॉक के अंदर कहीं भी देखिए कोई गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे, जो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया संकेत है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। और सेल के अंदर अभी देखिए जो लेवल था आज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या 112.50 पे क्लोजिंग दे देगा, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। 112.50 जो लेवल पर आज देखिए क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, और आज इसने इस पर क्लोजिंग दे दी तो जो अट्रैक्शन बनता है और वो और बन सकता है, बिकॉज स्टॉक का एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली था और उसको आज आसानी से क्रॉस कर दिया और पे क्लोजिंग भी दे दी, तो कल जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल देखने लायक होगा वो होगा 116 रुपए का, कि क्या 116 के पार निकल सकता है, क्योंकि देखिए तेजी अभी भी पूरी बनी हुई रहेगी, और मार्केट देखिए जिस प्रकार से आज कंसोलिडेशन दिखाया वो डेफिनेटली एक बढ़िया संकेत है और एक बड़े अपमूव के। वो 15,000 के ऊपर तो देखिए हम डेफिनेटली चले जाएंगे, बट 15,000 के बाद क्या नया हम वापस से निफ्टी में हाई बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो तेज़ी दिखी आपको एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद, वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तेज़ी बन रही है, और लगातार आपको सारे सेक्टर के अंदर स्पेशली मेटल इंडेक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। अब कल क्या करना होगा आपको सेल के अंदर, चलिए आपको ये बता देता हूँ, फिर नालको की बात करनी है। तो देखिए टेक्निकल्स पे हम सबसे पहले नज़र डालेंगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि लोग सेलिंग कर ही नहीं रहे, और जो तेज़ी हो रही है वो लगातार वॉल्यूम के साथ तेज़ी बन रही है स्टॉक के अंदर, 7 सेल 12 बाय, ऑसिलेटर्स बाय, मूविंग एवरेजेस बाय, हर जगह आप देखिए जो रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है वो सिर्फ बाइंग की है, कहीं भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो यही देखिए आपको बिल्कुल गो विद द फ्लो जो होता है यहाँ पे मोमेंटम के साथ जाना है, तो यही देखिए यहाँ पे आज जो 3 रेजिस्टेंस दे रखे थे वो तीनों को क्रॉस कर दिया, तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा शुरुआत में कि सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुका है। तो कल बाय करना है देखिए इनको करंट लेवल्स पर, ठीक है। टारगेट रखने दोस्तों सेल के लिए यहाँ पे कल के लिए वो होंगे 116 से 118 रुपये तक के, स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है दोस्तों यहाँ पे आपको करना है करीबन 108 रुपये का, और होल्ड करके चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डिप के अंदर बाइंग इसके अंदर डेफिनेटली करनी है। तो चलिए पहली कंपनी के बारे में तो बात कर ली, अब दूसरी दोस्तों नालको के बारे में बात करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम। तो दोस्तों देखिए नालको के अंदर भी काफ़ी बढ़िया अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, 64.75 पे देखिए आज क्लोजिंग दी है, 3.70 रुपये बढ़ा है, 6% के आसपास की देखिए तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो इसके अंदर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन था वो था 60 रुपये का, कि क्या 60 रुपये को तोड़ पाता है कि नहीं, और 60 रुपीज़ को देखिए क्रॉस करने के बाद शेयर अभी भी सस्टेन है, और आज डेफिनेटली पूरे मार्केट के अंदर मेटल इंडेक्स के अंदर तेज़ी थी, इसके अंदर भी तेज़ी बनी, लेकिन जो वॉल्यूम्स हो रही है देखिए लगातार सेल के अंदर और नालको के अंदर दोनों के अंदर दोस्तों वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रही है, और अभी भी आप देखिए जो तेज़ी है वो बिल्कुल तेज़ी पकड़ी हुई है, वो तेज़ी कम नहीं हो रही है। और नालको की बात करूँ
तो इसने भी दोस्तों एक साल के अंदर करीबन 122% का रिटर्न, और पिछले 6 महीने के अंदर ये स्टॉक दोस्तों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वो है करीबन 115% का। तो 115% के रिटर्न के साथ देखिए स्टॉक बिल्कुल आज अपना नया 52 वीक हाई बनाता है। सारे देखिए मेटल इंडेक्स के स्टॉक्स के अंदर नए 52 वीक हाईज बन रहे हैं। और अब पिछले 5 दिन की बात करूँ तो स्टॉक में कंसोलिडेशन सा देखने को मिल रहा था। कंसोलिडेशन कहाँ पे? वो 61 के लेवल के आसपास, क्योंकि वो क्रूशियल लेवल्स थे। लेकिन 60 रुपीज़ का बेस फॉर्म हो चुका है, ये आज दोस्तों कन्फर्म हुआ है। क्योंकि 60 रुपये की देखिए बेस से इसने जो तेज़ी दिखाई है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। तो 60 रुपीज़ का बेस कन्फर्म हो चुका है, और यहाँ पे 65 रुपीज़ का एक सबसे बड़ा हर्डल इसके लिए होने वाला है। अगर देखिए मार्केट गैप अप खुलते हैं तो डेफिनेटली ये क्रॉस आसानी से कर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलती है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं कल के लिए ऊपर में वो होंगे 65 के। अगर 65 रुपये को आसानी से तोड़ देता है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो तेज़ी है वो और बनेगी, और शेयर 70 रुपये तक आपको इंट्राडे के अंदर ही जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 60 का बेस टूटता है तो फिर देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट बनेगी और शेयर 55 या फिर 50 तक के लेवल्स दिखा सकता है, लोअर लेवल्स पे। तो यहाँ पे इसके अंदर भी बने रहना है। ये डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और जिस प्रकार से लगातार देखिए कंपनी तेज़ी कर रही है, कंपनी के देखिए जो लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपनी लगातार जो बढ़िया काम कर रही है, उसके कारण देखिए स्टॉक के अंदर आपको बढ़िया अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और स्टॉक सारे बढ़ रहे हैं। और नालको एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, और इसको आपको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए। डेफिनेटली एक बढ़िया दाम पे भी मिल रहा है आपको, तो इसमें कोई खराबी नहीं है स्टॉक को खरीदने में। अब चलिए कल की बात करते हैं, कल क्या कर सकता है स्टॉक। तो सबसे पहले देखिए टेक्निकल्स पे हम नज़र डालेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि देखिए यहाँ पे जानना होता है बाइंग और सेलिंग। तो देखिए थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर नालको के अंदर फॉर्म हुआ है, 10 सेल 6 बाय ऑसिलेटर, यहाँ पे हम न्यूट्रल है, मूविंग एवरेजेस सेल रिकमेंड कर रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसी कोई घबराने वाली बात दिखती नहीं है। तो आपको देखिए करना क्या होगा कल, तो देखिए आपको अगर और अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो कल करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे बाय करना है इसको CMP पे। पहला टारगेट दोस्तों जो यहाँ पे कल अचीव होता हुआ नजर आ सकता है वो होगा 66.50 का, अगर 65 क्रॉस कर देता है, और फिर 70 रुपीज़ तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करना है यहाँ पे करना है वो है कल के लिए 63 का। तो इस स्ट्रेटजी के साथ होल्ड करिए नालको को भी, बढ़िया दोनों स्टॉक्स से पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।